पार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे क्या है मोमो, अभी तो 8 बजे है, तुमने सुबह सुबह मुझे उठा दिया है। मुझे तो लगता है वो चली गई है। वो क्या? वो जिसके बगैर आपको ना एक पल सुकून नहीं आता। अरे वो तो बहुत पहले चली गई थी यार। कौन? ओहो मोमो, एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से तुम मेरा सर खा रही हो काम का। हाँ लगता है हमारी बिजली चली गई है अशरफ। महमूद? महमूद के घर की भी चली गई। ओफो, अरे मैं महमूद हूँ यार। अच्छा सबर करो, देखता हूँ मैं। किसको? बिजली को यार। शर्म नहीं आती मेरे होते हुए पराई औरत को देखेंगे शिमून। नबील उठो यार, तुम कैसे सो रहे हो? वो जानू जैसे रोज सोता हूँ यार। मेरा मतलब है तुम पंखे के बगैर कैसे सो रहे हो यार? क्यों जानू, हमारा पंखा कोई चुरा के ले गया? ओफ नबील, लाइट नहीं है यार, तुमने बिजली का बिल तो भरा था ना। ये सारी गलती तुम्हारे पापा की है जानू। इसमें मेरे पापा बेचारे कहाँ से आ गए? बेचारे पापा? अरे भाई इतने बड़े रकबे में जो आदमी आता हो वो बेचारा कैसे हो सकता है यार। क्या बकवास कर रहे हो नबील, पापा ने बिजली के बिल के पैसे दिए तो थे। हाँ दिए थे, लेकिन क्या वो कंजूस आदमी हमें एक जनरेटर नहीं लेके दे सकता? नबील जाओ जाके देखो। ओ भाई मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं सुबह सुबह तुम्हारे पापा का बड़ा सारा मुंह और उससे भी बड़ा पेट देखूं। जस्ट शट अप नबील, जाके देखो लाइट को क्या हुआ है। ओ जानू तुम तो लगता है मुझे कब्र में भी ना सुकून का साथ नहीं लेने दोगी। पहले कब्र में जाओ तो सही, फिर देखेंगे। कितनी संग दिल हो जानू तुम, कितनी संग दिल। यार महमूद साहब कम मुंह खोले यार, आपका मैदा नजर आ रहा है यार। वो जो मुझे कम खोलना है वो मुंह है। हाँ जी। अच्छा जी। यार ये बिजली कहाँ चली गई है? मुझे बता के नहीं गई यार। तो मेरा मतलब है बाकी घरों में तो आ रही है। लगता है हमारा फ्यूज उड़ गया नबील। क्या यार, इस वक्त तो कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलेगा महमूद साहब। मिल जाएगा नबील, तुम ढूंढने तो जाओ, तब तक मैं सो रहा हूँ। मैं अकेला नहीं जाऊंगा महमूद साहब। ठीक है तो खूबसूरत को साथ ले जाओ ना। आप चलेंगे मेरे साथ? यार नबील कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करो यार, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। महमूद साहब मैंने कह दिया मैं अकेले नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। यार तुम बहुत ही ढीठ इंसान हो यार, चलो। चले महमूद साहब, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, शायद कुछ दिख जाए। आओ, आंखों के लिए ग्रीनरी बड़ी अच्छी होती है। क्या बात है भाई साहब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ इसकी बीवी गुम हो गई है, उसे ढूंढ रहे हैं। और खुदा का नाम माने महमूद साहब, घटियापन की इंतहा होती है, बल्कि हद होती है, और आप ये हद हमेशा क्रॉस कर लेते हैं यार, मेरी समझ में नहीं आता। वो तो इसका मतलब है कि आपकी बीवी नहीं भागी। ओ भाई तू लोगों की भागी हुई बीवियां पकड़ के लाता है। चल निकल यहाँ से, हम लोग इलेक्ट्रिशियन ढूंढ रहे हैं। आपने बड़ी फिक्र की, मैं हूँ ना इलेक्ट्रिशियन। महबूब? किसका महबूब? मेरा नाम है जी महबूब। बड़ा आशिकाना नाम रखा है भी तूने इस मौसम में। चला शक्ल देखो और नाम देखो। चल महबूब चल चल। अरे महबूब मेरे, अरे महबूब मेरे। वो आप लोग जी ऐसा करें कि एक गिलास में दूध और 2 चमचे शहद और 4 बादाम डाल के ले आए जल्दी से। ऐसा करने से क्या फ्यूज ठीक हो जाएगा? जी नहीं, ये तो मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ। अरे तू फ्यूज ठीक करने आया या दूध पीने आया? घटाघट मैंने सोचा इधर कमजोरी सी हो रही है, पी लूंगा तो जरा जान छान आ जाएगी ना। चल अपना काम कर। अबे चल काम कर, इतनी गर्मी हो रही है, हद हो गई है यार। जल्दी कर जल्दी कर। क्या घटिया काम है? ये क्या हो गया? हेलो ए भाई नबील, ये तो लगता है ठंडा हो गया है। मैं मुसाविर से माइक्रोवेव ओवन में रखे? अरे क्या फजूल बातें कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये करंट लगने से मर गया। क्या मैं मुसाब आप क्या करेंगे? अरे इसे उठा के अंदर लेके चलते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। चलो उठाए फिर यार, मुझसे कह रहे थे नहीं उठाया जाएगा ये। हाँ यार कोई देख ही ना लेना। आओ आओ उठाओ।
तो रफाकत, ये कौन है? ओ नबील माँ जी। अच्छा ये नबील है। ओ माँ जी आप तो चुप रहे। नबील ये कौन है और क्यों उठा कर लाए उसको यहाँ? ये इलेक्ट्रीशियन है जानू। इसका नाम जानू है। अरे मोमो ये करंट लगने से मर गया है भाई। वुशे। और तुम लोगों ने एक गरीब आदमी की जान ले ली जालमो। अरे हमने कुछ नहीं किया मोमो, इसे बड़ा जबरदस्त शॉक लगा और ये ठंडा पड़ गया। दुआएं से चूल्हे पे गर्म करने अफ्तखार। महमूद। कौन महमूद? मैं नहीं जानती उसको। अरे मैं तुम्हारा शौहर और कौन? जी नहीं, मेरे शौहर का नाम हुमायूं सईद है। ओ माँ जी यार आप चुप करें यार, ये सोचेंगे इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ानी है यार। मुसीबत? पर अभी तो तूने कहा था कि ये टेंशन है। इलेक्ट्रिशियन माँ जी। चुप है, अब तू मुझे अंग्रेजी सिखाएगी। आठवीं फेल हूँ माशाल्लाह से। ओ यार ये मजाक नहीं है, तुम लोगों ने बंदा मार दिया है। ओ हमने नहीं मारा इसे भाई। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो वो आप दोनों को ही पकड़ेगी ना। अरे मुझे क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, इस आदमी को इसने बुलाया था। ओ शातिर आदमी, मुझे फंसा कर पतली गली से निकलना चाहते हो? नबील अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले गई तो एक्सक्यूज मी मुझे दूसरी शादी करना पड़ेगी जुवेद। मोमो। कौन मोमो? मैं मोमो को नहीं जानती। आप यहाँ पान बेचने आई है मोहतरमा? मेरा नाम मोहतरमा नहीं, हसीना है। हसीना अपने शोहर को लेने आई हूँ। देखिए जी यहाँ दो ही मर्द रहते हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। अरे मैं अपने महबूब को लेने आई हूँ। अभी तो आपने कहा था कि अपने शोहर को लेने आई हैं। अरे मेरे शोहर का नाम ही महबूब है, वो तुम्हारे घर आया था ना बिजली ठीक करने। वो तो कब क्या चला गया? झूठ मत बोलो, मैंने उसको अंदर आते हुए देखा, बाहर जाते हुए नहीं देखा, वो अंदर ही है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना वो अंदर नहीं है। अरे हट मेरे रास्ते से वरना पूरा मोहल्ला लाके तेरे दरवाजे पे खड़ा कर दूंगी। मेरे फूफा पुलिस में और मेरे खालू फौज में और तायाजाद भाई मशहूर पहलवान है वो। और आप? अरे मेरा डसा तो पानी नहीं मांगता। आप नागिन है? अरे हट मेरे रास्ते से। अरे महबूब मेरी बात तो सुने। महबूब को क्या हुआ, ये सो क्यों रहा है? नहीं ये सो नहीं रहा तलत। मेरा नाम हसीना है। ले वो तो मेरी बहू का नाम भी है, क्यों हसीना? खूबसूरत माँ जी। उठो महबूब, महबूब। ये नहीं उठ सकता। क्यों? इसके पाँव में क्या चोट लग गई है? ये ना काम करते करते गिर गया था ना। तो तुम लोगों ने हमें कहा था कि इसको करंट लग गया है तो ये मर गया है। हाय मेरा महबूब। अरे मेरे महबूब को मार दिया जालिमा। नहीं नहीं जालिमों ने नहीं मारा, इसे शकील और वकील ने मारा। मैं छोड़ूंगी तुम दोनों को, मेरा फूफा पुलिस में। देखिए हसीना जी देखिए, हमने आपके शौहर को नहीं मारा, ये तो करंट लगने की वजह से मरा है। और जानू तुम ही समझाओ ना यार। अरे आप रोना तो बंद करें ना प्लीज। मेरे छोटे 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 8-10 बच्चों का क्या होगा? 8-10 बच्चे? 8-10 जानू, वैसे तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम है। शराब नबील। अरे मेरा भाई सहारा चला गया, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पास तो कफन दफन के पैसे भी नहीं है। देखो तुम रो नहीं, हम तुम्हें कफन दफन के पैसे दे देते हैं। अच्छा लाओ फिर 1,00,000 रुपए। नबील दो ही नहीं 1,00,000। मूसा मैं कहाँ से दूँ 1,00,000 रुपया? हाय मेरे महबूब के कातिलो। हसीना जी एक मिनट कंट्रोल करें, एक मिनट कंट्रोल। आइए हम लोग अब हम 1 सेकंड में आते हैं। ये ना लाश को पंखा चलती रहे ना भूस जाती है करके। आज वो। देखें अब हमें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन कौन? खूबसूरत। और तूने तो कहा है कि आदमी बचा सकता है। ओ माँ जी मेरे कहने का मतलब ये है कि खूबसूरत अपने पापा से पैसे मंगवाकर उस लालची औरत को दे दे। जी नहीं, मैं अपने पापा से पैसे बिल्कुल नहीं मंगवाऊंगी। तौबा तौबा अल्लाह माफी, कितनी पत्थर दिल है तू सैमा, तू भूल गई है तेरा जहाजी खुदा है। जहाजी नहीं मजाजी। हाँ वही। ओ जानू देखो
वो औरत मुझे बहुत ही चालाक नजर आ रही है। अगर हमने पैसे ना मंगवाए तो औरत पुलिस मंगवाएगी। ना तो पुलिस उसे आके पैसे देगी। ओ नहीं माँ जी, पुलिस हम दोनों को अंदर कर देगी यार। तुम दोनों तो वैसे भी सारे दिन घर के अंदर ही पड़े रहते हो। अरे मोमो, पुलिस हम दोनों को जेल के अंदर कर देगी। हाय, बचा ले शकीला, बचा ले, दोनों को बचा ले, मैं तुझे वो देती हूँ। वो क्या माँ जी? वो जो लोग हर वक्त खाते रहते हैं ना, पिज्जा। पिज्जा तो तुम मुझे दे दो मोमो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। चुप है, पिज्जा नहीं वो। ओ माँ जी, आपको कसम है यार, आप चुप ही करें। कसम कसम, मैं तुझे कसम देती हूँ निसरीन, अपने बाप से पैसे मंगवा ले। अच्छा माँ जी, मंगवा लेती हूँ पापा से पैसे यार। शाबाश है, ये की ना तूने मर्दों वाली बात किला। माँ जी का कहने का मतलब है मर्द मनुष्य पैदा मर्द। आज वो मेरे महबूब को मार दिया आप लोग रोना धोना तो बंद करें, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे शाम तक। ठीक है, शाम तक मैं भी यही हूँ। मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। शाबाश। हाँ भाई, जल्दी से बनाओ नाश्ता। मेरे लिए ना चार परांठे बनाना कनीज। खूबसूरत। हाँ खूबसूरत, छोटे छोटे गोल परांठे चार। आप चले किचन में माँ जी। नहीं अभी मुझे नहाना नहीं है। हाय खाला जी, तुम किचन में नहाती हो? हाँ जी, हमारा बहुत बड़ा किचन है, बड़ा मजा आता है खुला खुला नहाने में। बड़े ही अजीब लोग हो भाई। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता यार, आप एक काम करें, खूबसूरत के साथ किचन में जाएं यार। बीवी का कलाम। लेकिन लेकिन आप ना कंट्रोल करें थोड़ा सा। रोई नहीं, रोई नहीं प्लीज। ओ ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। हाँ, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तो आप चूहे मारने वाली दवाई क्यों नहीं खा लेते? अरे हमें नाश्ता चाहिए यार। खाना नहीं है। क्या मतलब खाना नहीं है भाई? हाँ, वो जमीला सारा का सारा नाश्ता हड़प कर गई है। हसीना माँ जी, एक पराठा भी नहीं छोड़ा? नहीं, एक पराठा छोड़ा था, वो मैं खा गई शकील। यार हद होती है यार, इस कदर भूख लगी हुई है। जानू कुछ ऑर्डर करो यार बाहर से। नबील, हद होती है, घर में एक लाश पड़ी है, तुम लोगों को खाने की पड़ी हुई है। तू ना ज्यादा वो ना चलाया कर नसरीन। वो क्या? वही जो उसकी बड़ी तेज चलती है गाड़ी। वो कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, वो तो पापा जी ने दी नहीं हमें, जेज में खरीद के यार। वो जो नाफरमान बीवियां चलाती है ना पुत्र। जबान। हाँ हाँ, तू ज्यादा जबान ना चलाया कर फमीदा। खूबसूरत माँ जी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत वो पसीना है। हसीना माँ जी। हाँ पुत्र वही। अरे अब हम अपने खाने का क्या करेंगे नबील? ओ जानू, कुछ जल्दी से ऑर्डर कर दो, इससे पहले कि ये भूखा आदमी कोई कुर्सी वर्सी खा जाए। हाँ चल जल्दी कर, वैसे भी ये सब तेरे बाप की वजह से हुआ है। अब इसमें मेरे पापा कहाँ से आ गए? तुम्हारे पापा ने अभी तक पैसे नहीं भेजे थे, इसलिए बीच में आ गए वो। हाँ सुस्त सुसर कहीं का। नबील, तो माँ जी को कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये बात है जानू, माँ जी मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। अरे बेगैरता, इस दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था जोरू का हजाम। गुलाम मोमो, आप मेरे गुलाम हैं। ओ तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अरे नबील देखो तो, इस लाश की शक्ल पे कितनी फिटकार है। हाँ महबूब साहब, बिल्कुल इसका मुंह आप जैसा हो गया। ओ
यार, वो औरत सुबह से यहाँ डेरा डाल के बैठी हुई है, अजीब मुसीबत है। जानू ये सब कुछ तुम्हारे 200 किलो के पापा जी की वजह से हुआ है, अभी तक उन्होंने पैसे नहीं भेजे। नबील खबरदार जो तुमने मेरे पापा को कुछ कहा। हाँ पुत्र, खबरदार जो तुमने इसके मोटे सांड पापे को कुछ कहा हो तो। मोगो, तुम क्या लाश पे बैठ के कॉमेडी कर रही हो? मैं लाश पे बैठ गई तो इसका तो दम ही निकल जाना। मेरे महबूब की लाश पे खड़े होकर हंस रहे हो तुम लोग? नहीं तो क्या हम ब्लेड मार लें? तो तू रो ले। नहीं भी नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत खा लिया ना, अब नींद आ रही है मुझे। सुनो, तुम हमारे बेडरूम में कैसे जा सकती हो? नबील कुछ बोलो यार। वो क्या बोलूं जानू, उसका पापा पुलिस में है, मैं क्या बोलूं, जाए नहीं जाए, आराम करे आराम। याद करवा रही हूँ तुम लोगों को, जल्द से जल्द पैसे दे दो वरना मैं पुलिस वालों के पास चली जाऊंगी। हाय मेरा महबूब, कहाँ से लाऊंगी मैं इतना प्यारा, मेरा महबूब। हाय मार दिया लोगों, मार दिया मेरे महबूब को, अरे कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे। महबूब साहब कुछ करें यार, किसी भी तरह इस औरत से जान छुड़ाया है। हाँ यार खूबसूरत, मैं भी यही चाह रहा हूँ। वैसे भी ये मुमताज जो है ना, मुझसे 2 साल बड़ी है। ज़्यादा काका ना बन, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे तुझे वो हो जाए मकसूद। वो क्या? वो जिसके बाद बंदा मर जाता है ना, हैज़ा, कैंसर। और नहीं, वो जो कत्ल करने के बाद होती है ना, फांसी। माँ जी हाँ, अल्लाह करे तुझे फांसी हो जाए जालिम आदमी। क्यों मुझे उल्टी सीधी बद्दुआएं दे रही हो मोमो? मोमो साहब, माँ जी मैं पैसे लेके आ गया। माँ जी पता नहीं क्या किया तूने, अपने गुर्दे बेच दिए। ओहो माँ जी, ये पैसे खूबसूरत के पापा ने भेजे हैं उस औरत के मुंह पर मारने के लिए। वो जो हमने उस औरत के मुंह पे मारने हैं वो ये पैसे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो आज अब आज वो बात है, इतना बड़ा घर और 1 लाख देने में सुबह से शाम कर दी। अच्छा हुआ कि सारे जेवर समेट लिए मैंने, तब पैसे मिल जाए तो बस घर जाऊं मैं जल्दी से। मुझे भी साथ लेके जाना, कमर अकड़ गई लाश बने बने। तौबा है, अगली दफा मैं लाश बन जाऊंगी, वैसे भी लाश के अच्छी एक्टिंग नहीं करता तू, जल्दी से लाश बन चल चल देख। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस औरत की बातों में आ गया, इसने कहा था लाश बन के पैसे मांगो। अरे अब लाश तुझे हम बनाएंगे। पापा का फोन आया था, वो दोपहर की फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं। वैसे तो शरीफ होगी, हाँ अपनी बेटी के घर से पानी तक नहीं पीते और वो हर 4th-5th एपिसोड में मुंह निकाल लेते हैं। अरे भाई खूबसूरत कहाँ है? ये आपके सामने खड़ी तो है। आप खूबसूरत है? हाँ तो और, मुझे तो मोहल्ले के सारे लड़के खून से खत लिखते थे। पापा बताए ना क्या हुआ? बस बेटा मैंने फैसला कर लिया, मैं एक और शादी करूंगा। अरे मोमो सदीकी साहब इस घर में एक और शादी करने आए हैं। इसके लिए मुझे आपकी लाश में से गुजरना पड़ेगा, आपके जीते जी मैं एक और शादी कैसे कर सकती हूँ बताए। कौन है यार ये लड़की? जानू तुम्हारी होने वाली माँ है। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जा।